29 दिन बाद यहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले आज पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। विनेश फोगाट जो इस बार ओलंपिक पदक चूक गई और बजरंग पूनिया जो ओलंपिक पदक विजेता है, ये दोनों पहलवानों का जो प्रदर्शन हुआ था उसके चेहरे थे। विनेश फोगाट जब कांग्रेस में शामिल हो रही थी तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के अलावा बाकी सभी पार्टियों ने उनका साथ दिया था और बीजेपी ने अपनी तरफ से पहलवानों के उस प्रदर्शन को, उस आंदोलन को याद दिलाते हुए कहा कि देखिए हम तो पहले से कह रहे थे कि इसमें कांग्रेस पार्टी का हाथ था। बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी। हम देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है तो हमें क्या ऐतराज है। देश के लिए मेडल पहनने को झुकने वाली चैंपियंस की गर्दन जब हरियाणा में मतदान से 30 दिन पहले कांग्रेस का पटका पहनते हुए झुकी, कई सियासी सवालों ने खड़े होकर दस्तक दी। सवाल उठा जो महिला पहलवानों के साथ शोषण के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन विनेश फोगाट ने किया, क्या वो राजनीतिक था? जिस आंदोलन को करते हुए विनेश फोगाट को घसीटा तक गया, क्या वो आंदोलन सियासी था? क्या जो मेडल वापसी की बातें हुई वो राजनीतिक थी? क्या कांग्रेस के इशारे पर पहले आंदोलन प्रदर्शन दिल्ली में जंतर मंतर तक किया गया, या फिर अब आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ बताना पूरी सियासत है? शुक्रवार दोपहर जब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस दफ्तर पहुंचते हैं, उससे पहले गोंडा में बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ऐसा क्या सुन लेते हैं, भावुक होकर आंखें पोंछने लगते हैं। जैसे एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी होती है, वैसे उस वक्त सांसद जी ने कहा था ये कांग्रेस प्रेरित आंदोलन है। दिल्ली में विनेश और बजरंग कांग्रेस के पहलवान बन जाते हैं। देश के लिए पहलवानों का संघ संभालते हुए यौन शोषण के आरोपों के कटघरे में आए कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह भावुक होने लगते हैं। और यह आंदोलन की कलई और परत अब धीरे धीरे खुलने लगी और खुलने इस तरह लगी है कि उस आंदोलन के बुआ, उस आंदोलन के जनक लोग जो बैठे थे, उनकी मनसा उजागर होने लगी है। ये बातें सुन सुनकर भावुकता का प्रदर्शन करते बृजभूषण कुछ ही देर में दिल्ली में होती कांग्रेस मुख्यालय की हलचल पर हंसते हुए बयान देते हैं। इसमें पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कुछ बोल रहे हैं। हम बोल नहीं रहे क्योंकि हमको जो बोलना था, आरोप लगा था, तब हमने बोल दिया था ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है। मैंने बोल दिया था, आज देश बोलना है। अब हमको बोलने की क्या जरूरत है, अब तो देश बोलना है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शोषण के आरोप लगाकर प्रदर्शन की शुरुआत करवाने वाले महिला पहलवानों में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया अहम चेहरा रहे, जिनके अब कांग्रेस का हाथ थाम लेने से प्रदर्शन के पीछे कांग्रेस का ही हाथ बताने वाला रिश्ता जोड़ते बृजभूषण अकेले नहीं है। वो जो सारा विषय था वो राजनीति से ओतप्रोत था। उस समय तो एकदम इसको शायद इतनी साफ गोई से कोई नहीं कह सकता था, लेकिन आज तो साफ गोई हो गई कि वही लोग आज कांग्रेस की टिकट के लिए उनके पास जा रहे हैं और वो भी कह रहे हैं चुनाव लड़ाएंगे। इसका मतलब वो सारा जो राजनीति से प्रेरित वो एक विषय मुझे लगता है। कांग्रेस पहले दिन से ही इनकी बैक पे थी और इनके उकसाने से ही वो आंदोलन चल रहा था, नहीं तो उसका बहुत जल्दी फैसला भी हो जाता। जो पहलवान आंदोलन कर रहे थे वही पहलवान आज एक पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो था।
विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस को क्यों चुना, क्या आंदोलन के पीछे कांग्रेस थी, इन दोनों सवालों का जवाब अगली रिपोर्ट में देखिए। ये रवायत रही है कि कोई जज अगर रिटायरमेंट के बाद किसी पार्टी का हाथ थामता है तो फिर देखा जाता है कि उसके जो फैसले रहे हैं कार्यकाल में वो किस पार्टी के पक्ष में रहे थे। कोई अधिकारी अगर किसी पार्टी में शामिल होता है तो देखा जाता है कि अपने कार्यकाल में उसके फैसले ने किसे सियासी फायदा पहुंचाया था। उसी तरीके से हरियाणा में जेलर रहे सुनील सांगवान जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो ये देखा जाता है कि उनके कार्यकाल में राम रहीम को कितनी बार पेरोल या फरलो दिया गया था। ठीक उसी तरीके से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर सियासी बयान आ रहे हैं। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में आ जाने से कांग्रेस अध्यक्ष कुछ करिए नस नस यही बोले मोड में आकर चक दे कांग्रेस करने लगे। आखिर क्यों? क्या इसलिए क्योंकि विनेश फोगाट के साथ जाट और महिला दोनों वोट साधा जा सकता है? विनेश फोगाट जिस जाट समुदाय से जुड़ी हैं, उसकी हिस्सेदारी हरियाणा में 25% तक कही जाती है, यानी हरियाणा के हर चार में से एक वोट जाट समुदाय का है। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में 5 सीट का नुकसान बीजेपी को होने के पीछे जाट वोट की नाराजगी भी वजह मानी गई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 27% जाट वोट मिला, 23% का नुकसान हुआ। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में हरियाणा में 64% जाट वोट मिला, 31% का फायदा हुआ। 90 विधानसभा सीट वाले हरियाणा में 36 सीट पर जाट वोट प्रभावी है। इन सियासी आंकड़ों के बीच विनेश कांग्रेस का हाथ थाम कर साफ कर देती हैं कि जब उन्हें प्रदर्शन के दौरान घसीटा जा रहा था, कांग्रेस ने बुरे वक्त में साथ दिया, इसीलिए अब हाथ थामा। क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है, जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने जो प्रदर्शन शुरू किया था वो किसी पार्टी नहीं बल्कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ था। अब वक्त का बदलाव देखिए, जिन ब्रजभूषण के खिलाफ विनेश और बजरंग लड़े वो विनेश अब चुनावी राजनीति शुरू करती दिख रही हैं और बीजेपी के बाहुबली नेता रहे ब्रजभूषण शरण सिंह की सियासत तो जारी है लेकिन इनकी खुद की चुनावी राजनीति पर ब्रेक लगा हुआ है। जो कहते हैं कि बदनाम होने से उनका खूब नाम हुआ है। इस घटना के पहले मेरी कोई सेल्फी नहीं लेता था और इस घटना के बाद हीरो भी सेल्फी लेते हैं, हीरोइन भी सेल्फी लेती है, पायलट भी सेल्फी लेता है, साधु संत भी सेल्फी लेते हैं। आज तक दिल्ली की कोई यात्रा ऐसी नहीं हुई जिसमें मेरी सेल्फी न ली गई। अगर हो तो नाम होगा, अगर हुए बदनाम तो नाम भी होगा, सेल्फी का दौर चल रहा। महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोर्ट में मामला है। अब जनता की अदालत में विनेश फोगाट अपना चुनाव लेकर उतर रही हैं, जहां कहती हैं कि लड़ाई ब्रजभूषण शरण सिंह से जारी रहेगी। कोर्ट में केस चल रहा है, ब्रजभूषण को पूरा बीजेपी पार्टी उनको सपोर्ट कर रहा है, हमारे साथ में अपोजिशन खड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने, हम जब रोड पे घिसट रहे थे तो पहली पार्टी थी जो हमारे सपोर्ट में खड़ी थी। उन्होंने उनको जो सपोर्ट दिया हुआ, आज हमारा परिवार हमारे सपोर्ट में खड़ा है। सवाल आया क्या आंदोलन के पीछे कांग्रेस थी? कई लोगों को विनेश बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने से ये लग सकता है लेकिन तब समझना ये जरूरी है, क्या वो आंदोलन सिर्फ विनेश और बजरंग पुनिया का ही था या फिर और भी पहलवानों का? साक्षी मलिक, ओलंपिक पदक विजेता, ये महिला पहलवानों के आंदोलन का अहम हिस्सा रही हैं। साक्षी कई सवालों का विस्तार से जवाब दे देती हैं। मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हमें त्याग कर देना चाहिए और बाकी जो हमारा जो आंदोलन था, जो बहन बेटियों की लड़ाई थी, वो उसको गलत रूप ना दिया जाए। मैं अभी भी उस पर डट के खड़ी हूँ
महिलाओं के लिए जो रेसलिंग में जो शोषण होता था, और जो हमारा आंदोलन है वो अभी भी मेरी तरफ से बिल्कुल जारी है। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं हमेशा से रेसलिंग के लिए सोचती आई हूँ, रेसलिंग के हित में काम करती आई हूँ और हमेशा करती रहूँगी। मेरे पास भी ऑफर आए बड़े, लेकिन मुझे यूँ था कि मैं जिस चीज़ से जुड़ी हूँ, जो मैंने एक अच्छी शुरुआत की है, मैं उसको पूरा लास्ट तक लेकर जाऊँ, और जब तक जो है फेडरेशन हमारी क्लीन नहीं हो जाती, बहन बेटियों का शोषण बंद नहीं हो जाता, तो मैं मेरी लड़ाई हम जो है जारी रहेगी। बड़े एलिगेशंस आए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के उससे बैठे हो या किसी के इन्फ्लुएंस से बैठे हो, लेकिन ऐसा नहीं था। जो लड़ाई है वो जेन्युइन है और वो जारी रहेगी। मेरी सिर्फ लड़ाई एक ही आदमी से थी, वो ब्रजभूषण है, कि उसकी उसने बहन बेटियों का शोषण किया था। तो लड़ाई मेरी उसी तक है, मेरी किसी पार्टी से कोई व्यक्तिगत रूप से ना कोई जुड़ाव है ना कोई द्वेष है।